हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हम सनलाइट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है या नहीं नेसेसरी है, हम उसको देखेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। आज हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इसके लिए एक पॉटेड प्लांट ले लें, एक गमले में लगा हुआ पौधा ले लें, एक पॉटेड प्लांट ले लें, क्या ले लें, पॉटेड प्लांट ले लें। पॉटेड प्लांट हमने ले लिया, एक गमले में लगा हमने पौधा ले लिया। सबसे पहले पॉटेड प्लांट ले लें, हमने पॉटेड प्लांट ले लिया। पॉटेड प्लांट हमने लिया, क्या लिया, सबसे पहले गमले में लगा पौधा हमने ले लिया, पॉटेड प्लांट ले लिया। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप हमने क्या किया, पॉटेड प्लांट लिया, इसको किया क्या, हमने डार्क प्लेस में रखा 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो इतना फूड बनाता है कि 3 से 4 दिन तक अगर वो फोटोसिंथेसिस ना करे सो दे गैन सर्वाइव, मतलब स्टार्च उसके लीफ में स्टोर रहेगा। अगर 3 से 4 दिन के लिए उसे डार्क प्लेस में रख दें मतलब वो फोटोसिंथेसिस ना करने पाए 3 से 4 दिन के लिए, तो जितना स्टार्च उसके लीफ में स्टोर रहता है वो खत्म हो जाता है। तो हम 3 से 4 दिन में क्या करेंगे, प्लेस इट इन डार्क प्लेस। कहां रखेंगे आप, डार्क प्लेस में रख दें, ठीक है, किस लिए, डार्क प्लेस फॉर 3 to 4 days टू डिस्चार्ज द लीफ, टू डिस्चार्ज द लीफ। को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रख देंगे। मान लो हमने ये कमरे में रख दिया इस पॉटेड प्लांट को, ये पॉटेड प्लांट को हमने 3 से 4 दिन के लिए रख दिया, है ना, 3 से 4 दिन के लिए हमने इसे, इस प्लांट को हमने 3 से 4 दिन के लिए रख दिया। डार्क प्लेस में रख दिया, कहां, डार्क प्लेस में कमरे में आप मान लो रख दिया, इन डार्क प्लेस में रख दिया, क्या कर दिया, डार्क प्लेस में रख दिया। अब आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के बाद एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फाइल रैप कर दें कि 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही। तो आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन बाद डार्क प्लेस में ही, क्या, आफ्टर 3 to 4 days इन, कहां, डार्क प्लेस, इन डार्क प्लेस में 3 से 4 दिन के बाद, आफ्टर 3 to 4 days इन डार्क प्लेस, इन डार्क प्लेस रैप एल्यूमिनियम फॉइल इन द मिडिल पार्ट ऑफ अ लीफ। कुछ नहीं किया हमने, पहले एक पॉटेड प्लांट लिया, उस पॉटेड प्लांट को हमने डार्क प्लेस में 3 से 4 दिन के लिए रखा ताकि जो भी स्टार्च उसमें स्टोर है लीफ में वो खत्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। अब 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही एक लीफ ले ले, मान लो हमने ये लीफ ले लिया, एक लीफ ले ले और उस लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम की पतली सी चादर, एल्युमिनियम की फाइल रैप कर दें, लपेट दें। सो वही मैंने लिखा, आफ्टर 3 to 4 days इन डार्क प्लेस रैप
एल्यूमिनियम फॉइल इन द मिडिल पार्ट ऑफ सीरीज। चलो ठीक है, ये अपना गमला था, पॉटेड प्लांट था, पॉटेड प्लांट था, ये और ये डार्क प्लेस में ही अभी है। कहां है? डार्क प्लेस में ही। तो मैंने कहा ना डार्क प्लेस में ही एल्यूमिनियम फाइल मैंने ये रैप कर दिया, एक लेस के बीच वाले भाग में एल्यूमिनियम फाइल मैंने ये रैप कर दिया। तो ये समझो आप एल्यूमिनियम फाइल में ये ब्लैक से दिखा दे रहा है, एल्यूमिनियम फाइल क्या बता दे रहा हूं उसे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल है, रैप कर दिया डार्क प्लेस में ही, तीन से चार दिन के बाद डार्क प्लेस में एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर दिया। अब क्या करें आप, अब इस प्लांट को फिर से सनलाइट में रखें, क्या रखें, प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, फिर से आप इसे कहां रख दें, सनलाइट में रख दें। तो ये पौधा लिया हमने, ये अपना लिया ये, और इसी में ये देखो एल्यूमिनियम फाइल को रैप है, तो हमने एल्यूमिनियम फाइल ये रैप कर रखा है और हमने कहा इसे हमने सनलाइट में रख रखा है, तो ये देखो सनलाइट आ रही है, सनलाइट रख दिया, रख दिया सनलाइट में कितने घंटे के लिए, प्लेस द पूरा नहीं लिखा क्या मैंने, प्लेस द प्लांट प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, तीन चार घंटों के लिए आप रख दें। अब इसके बाद आफ्टर 3 to 4 hours कुछ घंटों के बाद लीफ को क्या करना है, आप प्लग कर ले, हमने पॉटेड प्लांट लिया, तीन से चार दिन के लिए डार्क प्लेस में रखा, तीन से चार दिन बाद एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर दिया और फिर उसे उठाकर हमने सनलाइट में रख दिया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, प्लग द लीफ, लीफ को प्लग करें, तोड़ ले लीफ को, कुछ घंटे लग दिया, यह हमने लिख दिया फॉर फ्यू आवर, कुछ घंटों के लिए हमने लग दिया प्लग द लीफ। अब आप लीफ को तोड़ ले, प्लग द लीफ एंड रिमूव एल्यूमिनियम फाइल, हम एल्यूमिनियम को एयर लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम फाइल, लीफ को क्या करें आप, तोड़ लें, एल्यूमिनियम फाइल को क्या करें, हटा दें, ये हमने एल्यूमिनियम फाइल हटा दिया, हमें एल्यूमिनियम फाइल को निकाल देना है आपको एल्यूमिनियम फाइल को, और फिर करना क्या है, उसे वाटर में बॉइल करना है। सो एंड बॉइल द लीफ इन वाटर, कहां बॉइल करना है, लीफ को वाटर में बॉइल करना है। तो चलो लीफ को हमने तोड़कर तोड़ लिया था, एल्यूमिनियम फाइल रैप जो रैप था उसे निकाल दिया और उसे अब वाटर में बॉइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसे वाटर में, ये वाटर बाथ है और ये लीफ हमने रख रखा है, ये अपना लीफ था,
वाटर बाथ है, क्या है ये तो वाटर बाथ है, जिसमें हम लीफ को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, फ्लेम है ये, बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्यों गर्म करते हैं? टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन, प्लग द लीफ एंड रिमूव एल्यूमिनियम फॉइल एंड बॉयल द लीफ इन वाटर टू ब्रेक सेल मेम्ब्रेन सो दैट आयोडीन सॉल्यूशन कुड बी परमेबल। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हम वाटर में बॉयल करते हैं ताकि आयोडीन सॉल्यूशन सेल के अंदर तक जा सके। तो याद रखना है, वाटर में क्यों बॉयल करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, आयोडीन की परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो अब हमने वाटर में बॉयल कर दिया, अब फिर आप इसे आगे, आप फिर से वाटर में बॉयल करने के बाद इसे एल्कोहल में बॉयल करें। फिर मैंने लिख दिया आप पहले वाटर में बॉयल करें, बॉयल द लीफ अगेन इन एल्कोहल। अब इसे क्या करना है, फिर से एल्कोहल में आपको क्या करना है, इसे बॉयल करना है। क्या करना है, बयान लिख रहा बॉयल द, वहां मैंने लिखा बॉयल द, ये एरो पैरों ऊपर, बॉयल द लीफ अगेन इन एल्कोहल। अब आप उसे फिर से एल्कोहल में बॉयल करें, पहले वाटर में बॉयल करें सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, लिख लो नीचे टू ब्रेक सेल मेम्ब्रेन। टू ब्रेक सेल मेम्ब्रेन एल्कोहल में बॉयल कर रहे हैं, क्यों? टू रिमूव क्लोरोफिल। ये भी लिख लेना, टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए आप उसे किस में बॉयल करें, एल्कोहल में बॉयल करें। एल्कोहल हाईली इंफ्लेमेबल होता है, एल्कोहल को कभी डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टेक्ट में नहीं रखा जाता। तो आपको एल्कोहल में बॉयल करने के लिए एक छोटा एल्कोहल, एक बाथ ले जिसमें एल्कोहल और लीफ डाले, फिर उस एल्कोहल एंड लीफ कंटेनिंग बाथ को आपको वाटर बाथ में रखना है। नाउ हीट द वाटर बाथ, एज द वाटर बिकम हीटेड एल्कोहल आल्सो हीटेड, व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग देन एल्कोहल आल्सो स्टार्ट बॉइलिंग, एल्कोहल में क्या होगा वो भी बॉइल करना शुरू कर देगा। तो अब क्या करना है देखो, तो जरा ये हमने क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हमने इसे बॉइल कर दिया, टू रिमूव क्लोरोफिल। एक ये लीफ लिया था हमने, और ये हमने गर्म कढ़ाई से शुरू किया। इसमें तो एल्कोहल है, इसमें क्या है वाटर है, इसमें क्या है वाटर है, और इसमें क्या है, इसमें एल्कोहल है, इसमें क्या है एल्कोहल, क्योंकि बॉयल हमें एल्कोहल में करना है ना, एल्कोहल को डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज एल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल। सो वी कुड नॉट कीप द एल्कोहल डायरेक्ट इन वाटर फ्लेम बिकॉज इट विल कैच फायर, क्योंकि तुरंत ये आग पकड़ेगा। सो हम डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टेक्ट में तो नहीं रह सकते, लेकिन इसे वाटर बाथ में रखकर बॉयल जरूर कर सकते हैं। तो बॉयल कर लिया, अब इसे क्या करेंगे, आप अब लीफ को बॉयल करने के बाद इस लीफ को आप निकाल लें बाहर और हॉट वाटर से वॉश करें। क्या करें, वॉश द लीफ, वॉश द लीफ बाई हॉट वाटर, गर्म पानी से आप उसे वॉश करें और फिर उसे पेट्री डिश में रखें। किसमें रखें, पेट्री डिश में रखें, किसमें रखें पेट्री डिश में।
पेट्री डिश में हम लीफ ले लें, टेक लीफ इन पेट्री डिश, किस में ले रखेंगे आप, पेट्री डिश में आप उस लीफ को रखेंगे, पेट्री डिश में रखेंगे। तो आप ये देखो, ये हमारा पेट्री डिश है, क्या है, पेट्री डिश है। इस नीचे वाले लाइन को अगर आप इतना लिख चुके हो तो मैं इस नीचे वाले लाइन को यहां से यहां तक ऊपर इरेज करके बनाऊं, यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो ये एरो खींचो आप, और इसके आगे वाला स्टेप मैं आगे लिखता हूं, दो स्टेप और बचा है, दो स्टेप उसको मारे लिखते हैं। आप जल्दी से यहां तक कंप्लीट करो, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, पॉटेड प्लांट लिया, तीन से चार दिन के लिए डार्क प्लेस में रखा, डिस्चार्ज करने के लिए डार्क प्लेस में तीन से चार दिन के बाद लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फाइल रैप कर दिया, रैप कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसे उठाकर सनलाइट में रख दिया कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटे के बाद लीफ को तोड़ लिया, तोड़कर एल्युमिनियम फाइल निकाल दिया और वाटर में बॉइल कर दिया सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। फिर इस लीफ को एल्कोहल में बॉइल करें तो ये एल्कोहल में बॉइल किया क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। आगे वाला स्टेप अब कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे लिखता हूं, इसकी सब लिया तो मैं आगे इरेज करके नेक्स्ट स्टेप लिखू। क्या किया था, एल्कोहल में बॉइल करने के बाद क्या करेंगे इसे, एल्कोहल में बॉइल किया था, अरे यही तो किया था ना, याद करो उस स्टेप को, एल्कोहल में बॉइल किया था, ये पिछले स्टेप याद करो आप, यही तो किया था, ये एल्कोहल है, इसी में ये लीफ है, वाटर है, ठीक है, वाटर पाथ है, ये क्या है, वाटर पाथ है जिसमें पानी रखा है, और ये इसके अंदर ये एल्कोहल है और ये फ्लेम, ठीक है, बॉइल कर दिया। बॉइल करने के बाद अगला वाला स्टेप यहां जो मैंने बताया था, अब अगले वाले स्टेप क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, वॉश द लीफ बाय हॉट वाटर टू रिमूव स्टिकी क्लोरोफिल, टू रिमूव स्टिकी क्लोरोफिल, जो भी चिपका हुआ क्लोरोफिल हो उसे निकालने के लिए हम उसे हॉट वाटर से वॉश करते हैं। तो ये हमने लिया और हॉट वाटर से हम उसमें वॉश कर दे रहे हैं, हॉट वाटर से वॉश कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हॉट वाटर से आप इसे वॉश कर दो। तो लो हमने वॉश कर दिया ये लीफ रख के, और ये हॉट वाटर से वॉश कर दिया, गर्म पानी से क्या कर दिया, वॉश कर दिया। अब क्या करें, टेक लीफ कहां करें, टेक लीफ इन पेट्री डिश में लें एंड ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द लीफ, क्या करें, लीफ को पेट्री डिश में
तो ये पेटिटिस मिलेरिया। और क्या करना है, लीफ के ऊपर आपको आयोडीन सोल्यूशन गिराना है, ये मान लो ड्रॉपर, और ये आयोडीन सोल्यूशन गिरा रहे हैं लीफ पर। क्या कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन, इसमें आयोडीन सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। क्या है, आयोडीन सोल्यूशन हम गिरा रहे हैं। तो हमने देखा क्या, आप देखेंगे कि लीफ का हर एक पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया एक्सेप्ट मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का जो बीच वाला भाग था उसको छोड़कर लीफ का पूरा पार्ट, होल पार्ट ऑफ द लीफ, व्हेन वी ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द लीफ वी ऑब्जर्व दैट होल पार्ट ऑफ लीफ चेंज इन ब्लू ब्लैक कलर एक्सेप्ट मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ बिकॉज स्टार्च वॉज एबसेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ। बिकॉज द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एबसेंस ऑफ सनलाइट, सो मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ रिमेन्स कलरलेस इन द एबसेंस ऑफ स्टार्च, वेयर द अदर पार्ट ऑफ द लीफ चेंज इन ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बिकॉज दैट पार्ट कुड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, whereas the middle part of the leaf could not perform photosynthesis, therefore starch was absent, therefore middle part remains colorless in the absence of starch, because we wrap aluminium foil in the middle part of leaf, क्योंकि हम leaf के middle part में aluminium foil wrap कर रखा था, therefore middle part of the leaf could not perform photosynthesis, इसी वजह से तो leaf का middle part photosynthesis perform नहीं कर सका था, इसी वजह से वहाँ पे starch नहीं था, और starch नहीं था इसी वजह से वो part colorless रह गया था, और colorless रहना यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टार्च नहीं था, और स्टार्च इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल रैप कर रखा था जिसकी वजह से सनलाइट नहीं मिली वहाँ पे, कलरलेस पार्ट। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा है कलरलेस पार्ट, और ये क्या है, ब्लू ब्लैक ये कलरलेस पार्ट है और ये ब्लू ब्लैक कलर पार्ट था, तो जहां पे कलरलेस पार्ट है वहां पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट था, कहीं भी अगर स्टार्च होगा आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया स्टार्च डालने पर तो ये कंफर्म करता कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट था, मिडिल पार्ट कलरलेस रह गया क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं था, बाकी अदर पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गए क्योंकि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट था, मिडिल पार्ट में इसलिए स्टार्च नहीं था इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ क्योंकि स्टार्च नहीं था, स्टार्च इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे एल्युमिनियम फॉइल हमने रैप कर दिया था ताकि सनलाइट वहां पर अंदर न जा सके, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस नेसेसरी है और सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, थैंक यू।